हेलो फ्रेंड्स, आज हम पालक पनीर बनाएंगे और साथ में हम लच्छा पराठा बनाएंगे। और बहुत सरल विधि होगी फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं, ये पालक है जो बहुत अच्छी, इस समय पालक आनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम पालक के पत्तों को अलग कर लेंगे और ये जो डंडी है उसको हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पालक देख सकते हैं मैंने अच्छे से तोड़ लिया। ये दो टमाटर है और ये थोड़ी सी धनिया। इसको हम एक प्रेशर आने तक इन सारी चीज़ों को उबालेंगे। खूब अच्छे से हम धुलेंगे 3 से 4 बार ताकि एकदम अच्छे से पालक साफ़ हो जाए। तो इस तरह से टमाटरों को भी काट दी हूँ। प्रेशर कुकर में डालेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे और एक प्रेशर आने देंगे। थोड़ा सा चीनी डालने से फ्रेंड्स ये हो जाता है कि थोड़ा हरापन बना रहेगा। अब जितनी पालक थी फ्रेंड्स उतना ही पनीर, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे ये मेरी पनीर जो है ये 250 ग्राम पनीर है। और टमाटर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत खट्टा हो जाएगा, तो स्वाद नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं, ये क्यूब्स में मैंने बड़े टुकड़े में पनीर को कट कर लिया। सीटी आ गई, फ्लेम बंद कर देंगे, कुकर को खुद से ठंडा होने देंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हम बिल्कुल बारीक काटेंगे। और अदरक लहसुन मिर्ची का हम पेस्ट बना लेंगे, कूट लेंगे इसको अच्छे से। और मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रखिए, कितना आप मिर्च बहुत तीखा पसंद करते हो तो और ले सकते हैं। अब पालक को पीस लेंगे और इस पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी में कर लेंगे। कढ़ाई रखेंगे गैस पे, इसमें हल्का सा हम ऑयल चाहे घी डालेंगे, जिसमें हम पनीर को उलट पलट के थोड़ा सा लाल करेंगे। ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी पनीर डाल सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके पनीर को इस तरह से लगा देंगे। एक साइड हो जाएगा तो दूसरी साइड कर लेंगे, पलट देंगे, देखेंगे अगर इस साइड से हो जाएगा उस साइड से पलट देंगे फ्रेंड्स। देख सकते हैं इस तरह से हल्का ही होना चाहिए। ये हल्का सा हो गया, इसको हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाले हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम तेज पत्ता और ये हींग, जीरा थोड़ा सा तड़का हो जाने देंगे, फिर प्याज डालेंगे। फिर से भूनेंगे प्याज को। अब हल्की सी प्याज भून गई, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे मिर्ची का, ताकि ये भी साथ में भून जाए, कच्चापन निकल जाए। मसाले हैं गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। ऑप्शनल है फ्रेंड्स ये लाल मिर्च पाउडर, नहीं तो इसकी जगह पे काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लीजिए। अब ये भून गया अच्छे से, इसमें हम डालेंगे मसाले और हल्का सा भूनेंगे मसालों को। अब हम ये पालक का जो पेस्ट बना के रखे हैं उसको डालेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे। बाकी चीज पका तो हुआ है लेकिन फिर भी भुनेंगे लगभग 1 से 2 मिनट। रात का टाइम है फ्रेंड्स, दिन में आज मैच के चक्कर में, फाइनल मैच विश्व कप के चक्कर में नहीं बना वीडियो। अच्छे से भुनेंगे इसको। ये भुन गया है, अब इसमें हम ये जो पानी रखे हैं इसको ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है पालक पनीर में। इसमें हम भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे, अच्छी मात्रा में ऐड करिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। स्वादानुसार नमक, पालक में नमक की मात्रा होती है किसी भी साग में, तो थोड़ा नमक कम डालिए, बाद में ऐड कर लीजिए अगर आपको लगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब इसमें ये पनीर ऐड करेंगे और ढक के हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे। अब हम आटे का ही लच्छा पराठा बनाएंगे, तो ये थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे और ये शुद्ध घी 2 चम्मच डालेंगे, रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे, शुद्ध घी डालेंगे मोयन के लिए। और अच्छे से, और इसका ऐसा डो तैयार करेंगे,
एकदम नरम भी ना रहे और एकदम सख्त भी ना रहे, बीच का डो तैयार करेंगे। तो ये देख सकते हैं आटा लगा दी, अब इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, पनीर पालक पनीर हमारी रेडी है, फ्लेम बंद करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो आटा फूल के अच्छे से चिकना हो गया, अब हम छोटा बड़ा जैसा बनाना चाहते हो उस तरह से लोई लेंगे। तो लोई हम देख सकते हैं इतनी बड़ी लोई ली है, इसको पहले हम रोटी की तरह अच्छे से बेलेंगे। अब इस पे हम अच्छे से पहले ऑयल चाहे घी लगाएंगे, थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, पहले हम उठाएंगे इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, इसी तरह से हम पूरा कर लेंगे। इस पे हम अच्छे से घी लगाएंगे और ये देखिए इसको खींचते हुए इस तरह से हम राउंड करेंगे और ये नीचे इस तरह से करके इस तरह से इसको दबाएंगे। घी लगा देंगे अच्छे से, अब इसको हम फिर से बेलेंगे। तो ये बेल लिया मैंने, अब इसको तवे पे डालेंगे। अब इसको हम इस तरह से दूसरी तरह से बता रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से हम इसको काटेंगे स्ट्रिप्स में। इसको हम इकट्ठा करेंगे, ये देखिए इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए। घी लगा के और इसको भी हम पीसते हुए मिलाएंगे। और ये नीचे का इस तरह से करके दबाएंगे और ये देख सकते हैं लोई तैयार है। अब एक साइड हो गया, घी लगाएंगे अच्छे से, फिर दूसरी साइड भी लगाएंगे। पलट के अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। पहुंचाएंगे और दूसरा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से इसकी परतें खुलने लगी हैं, ये देखिए परत अच्छे से खुली है। तो ये भी देखिए कितने अच्छे से लच्छे बने हैं फ्रेंड, आटे का है, कोई मैदा नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी पालक पनीर और ये आटे का लच्छा पराठा बन के रेडी है। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स, और रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।